तो दोस्तों एक बार आप सभी को जय माँ गंगे नमामि गंगे। मैं पोन ब्लॉगर 04 एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक नई वीडियो नई ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है धनुष वाले पुल के सामने से। और आज आप मौसम देख सकते हो, व्यू देख सकते हो, भीड़ देख सकते हो। ये शानदार नज़ारे मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ हरिद्वार हर की पौड़ी से। तो हमारी वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना। और अब हम पहुंच चुके हैं नाई वाले घाट पे और यहाँ हमें कुछ लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर रेलिंग से बाहर है दोस्तों, रेलिंग से बाहर आप कभी नहीं जाए क्योंकि बीच में बहाव तेज़ है। मैं आप लोगों को बार बार बताते हुए आ रहा हूँ, ऐसे में डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है। भले ही अभी पानी कम कर दिया गया हो इसलिए ऐसे इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप लोग कभी इस रेलिंग से बाहर नहीं जाएं। तो दोस्तों धीरे धीरे चलेंगे हम आगे की ओर, तो हमारे साथ ऐसे बने रहेगा, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ धनुष वाले पुल की ओर और यहाँ आपको देख रहे होंगे श्रद्धालु की संख्या यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस तरफ स्नान कर रहे हैं देख सकते हो, तो कुछ लोग हर की पौड़ी पे स्नान करते हैं। और यहाँ देख सकते हो गंगा का पानी इस तरफ भी बहुत कम कर दिया गया है, ये देख लो। क्योंकि पानी इसलिए कम कर दिया गया है लोगों को नहाने वहाने में दिक्कत नहीं है। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ सीधे हर की पौड़ी पे दोस्तों, ब्रह्मकुंड घाट के ठीक सामने अभी खड़ा हूँ मैं, देख सकते हो। और यहाँ से व्यू देख लो भाई, कितने प्यारे व्यू आ रहे हैं आज। और भीड़ भी आप देख सकते हो, आज कितनी भीड़ है दोस्तों। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ, आज है 26 सितंबर और जो ये नज़ारे आप देख रहे हो ये है दिन के 2 बजे का। 2 बजे देख सकते हो आप श्रद्धालुओं की संख्या हरिद्वार हर की पौड़ी पे माँ गंगा में स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। ये चेक कर लो, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ, ये देखो। और धीरे धीरे अभी हम तुम्हें दिखाएंगे आगे से व्यू और आगे की तरफ, तो हमारी वीडियो में ऐसे बने रहेगा, वीडियो को शेयर करते जाएगा दोस्तों, क्योंकि हरिद्वार आने वाले लोगों के पास मेरी यह अपडेट पहुँच जाए, क्योंकि उनको यहाँ का वेदर के बारे में और सभी चीज़ की जानकारी प्राप्त हो पाए मेरी वीडियो से, ये मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को। और आप लोग माँ गंगा के दर्शन करते जाइएगा दोस्तों, अभी मैं आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ, ये चेक करो। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अपना सामान का ध्यान रखें, यहाँ पे सामान खोने का बहुत ज़्यादा भय रहता है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग प्यार से स्नान करने में लगे रहते हो और आपका सामान कोई उठा के चले जाए आपको पता भी ना चलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होते रहता है, ये मैं आपको बता दूँ। और सामने महिला वाले घाट पर आप देख सकते हो लोग माँ गंगा को पार भी कर रहे हैं, देख सकते हो कोई इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि बीच में पानी कम कर दिया गया है। अच्छी बात है, पानी कम हो तो श्रद्धालुओं को भी स्नान करने में दिक्कत नहीं होती है। देख सकते हो प्यारे प्यारे भी दोस्तों माँ गंगा के दर्शन करते जाइए। दर्शन कराने ला चुका हूँ, देख सकते हो यहाँ से माँ गंगा के दर्शन कराने। ये देखो भाई, छोटी सी बच्ची को तैरते हुए आ रही भाई ऊपर से, ये देखो भाई। और पानी का बहाव देख लो भाई कितना है यहाँ पे, ये चेक करो भाई, पानी ज़्यादा है नहीं भाई, जिस हिसाब से पानी का बहाव रहता उतना फोर्स है नहीं, अभी बहुत कम हो चुका है। सामने ये देखो, बच्चों को तैरना आता होगा इसलिए, ये देखो, चेक द साउंड भाई, ये चेक करो, ये देखो भाई तैरना आता है भाई, ये देखो। और ये सामने के व्यू देख लो भाई,
दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं ठीक ब्रह्मकुंड के सामने ऊपर पुल पे, और यहां से मैं तुम्हें पूरा व्यू दिखा रहा हूं। देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है। 26 सितंबर 2023 समय की बात की जाए तो लगभग 2 बजे का समय ही है, और यहां से माँ गंगा के आप दर्शन कर सकते हो।